धरती बिहार में सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड के हॉस्पिटल में मैं अभी मौजूद हूँ। बाजपट्टी हॉस्पिटल में यहाँ आशाएं पूरे एक महीने से धरने पर थी। इनकी जो मांग थी वो आखिरकार सरकार ने मांग ली है और आज आशा दीदी के बीच खुशी का माहौल है। ये एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर गुलाल लगाकर खुशी मना रही हैं और सरकार का धन्यवाद कर रही हैं कि देर से ही सही आखिरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने इनकी मांग मानकर बिहार का नाम रोशन किया और इन लोगों को भी भाग लिया। इस खुशी के मौके पर सारी आशाएं ताली बजाकर बिहार सरकार का धन्यवाद कर रही है और उनको शुक्रिया का मौका फराहम कर रही है। इसी तरह आशा दीदी की मांग हमेशा पूरी होती रहे ताकि ये भी निष्ठा से अपना काम करती रहे और सरकार भी इससे खुश रहे और ये भी सरकार से खुश रहे। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे ये खुशी में नारा लगा रही है और अभी मैं इन लोगों से कुछ पूछता हूँ वो क्या बताती हैं। आप वीडियो में बने रहे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो की देखने के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहे हैं। देखिए इनका क्या कहना है, सुनिए। आप पिछले एक महीने से धरना पर थी, आपको क्या लग रहा था? हम लोग एक महीने क्या 33 दिन धरना पर बैठे। हाँ, हम लोग को यहाँ कोई देखने पूछने वाला नहीं आया तो हम लोग पटना महासम्मेलन में भी गए, शशि यादव बुलाए थे वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी वहाँ का आशा दीदी का नज़ारा देख के हम लोग को हौसला बुलंद हुआ कि हम लोग PSC पर बैठे हुए हैं तो हम लोग को इतना शोषण हो रहा है, लेकिन जब हम बाहर निकल कर देखे तो हमको दिल एकदम खुश हो गया और 33 दिनों के बाद मेरी मांग पूरी हुई। देर से ही सही, ज़्यादा ना जो दे, लेकिन मेरी मांग पूरी हुई। पर तो सिर्फ हटा के मांगे कर दिया, वो मेरा सबसे बड़ा जीत है। इंकलाब में देख सकते हैं। हमेशा आप जो है इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। फिर आगे मौका मिलेगा और हम फिर इन सब से मिलेंगे और इन सब से मुलाकात कराएंगे और